तू अभी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी है ना। यीशु मसीह ने जैसे चेलों ने पूछा हमें, यूहन्ना अपने शिष्य जो उसके चेले उन्हें प्रार्थना करनी सिखाता पर तू हमें सिखा। हाँ, तो यीशु ने फिर कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करना। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो उस बाइबल में लिखी प्रार्थना को ही उसको लेकर प्रार्थना करते हैं। हाँ, पर प्रार्थना का मतलब यह है जैसे दाऊद 62 बाट की 8 में जैसे लिखा, दाऊद कहता कि ही मैं अपने मन की बातें उसे खोल खोल के करूंगा। क्या करूंगा? उसे अपने मन की बातें खोल खोल के करूंगा। हाँ, तो प्रार्थना ये नहीं है कि प्रार्थना कोई कुछ सीखी हुई चीज है। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर अपने आप वो शब्द आपके मुंह में देता है उसकी प्रेस के लिए, महिमा के लिए। हाँ, जो बाइबल लिखित में जो वचन है आप उन वचनों को लेकर प्रार्थना कर सकते हो। क्या कर सकती हो? ये परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है। हाँ, जैसे उसके वचन में लिखा कोड़े खाने से हम ब्लेस कैसे होंगे। हाँ, कैसे रोग चाहेंगे, कैसे गुस्सा जैसे गुस्सा आता है। बहुत सारे विषय हैं जो बाइबल में लिखे हैं कि उन चीजों को हम जब प्रार्थना के जरिए अपने मुंह से वचनों को लेकर बोलते हैं। क्या करते हैं? वचनों को बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। हाँ, तो उस रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? उस रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारी क्या है? सफल प्रार्थना है। क्या है हमारी? सफल प्रार्थना। पर बहुत सारे उस विषय को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए वो इतना अच्छे से ना जानने की वजह के कारण आज भी लोग बहुत पीछे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। समझ आ रही? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम सबसे पहले प्रार्थना करें। और मेरे साथ जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आंखें बंद करो और अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया। बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाहते थे परमेश्वर, पर देख ना सके। माय लॉर्ड जीसस, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। जितने भी आज तेरे दास दासियां सेविक परमेश्वर जो तेरी पवित्र हसूरी को चला रहे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें अगुवाई करे। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। यस खुदावन, इस जगह पे भी आज तेरा आत्मा बड़ा झुंबस के साथ कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर मेरे खुदावन तूने मुझे दिए, मेरे पिता, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के जीवन से हर दुख तकलीफ हालात परेशानियां रोग बीमारियां छाती रहे यीशु तेरे नाम से। यस माय लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदावन अंधकार के सताए हुए लोग मेरे परमेश्वर तेरे नाम से चंगे किए जाएं, वो तेरी ज्योति में आ जाएं परमेश्वर। जैसे तेरा दास प्रेरित पॉल कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए, कि उसकी बलाहट की आशा क्या है। मेरे परमेश्वर जितने तेरे लोग हैं जिन्हें तूने बुलाया है मेरे परमेश्वर, वो तेरी बलाहट की आशा को समझ सकन मेरे खुदावन। उनके मन की आंखें ज्योति में, उनके दिल की आंखों में रोशनी आई है, उनके मन की आंखें खुल जाएं पिता, ताकि वो तेरी बलाहट को, तेरे उस प्रेम को जो तूने क्रूस पर किया उनके साथ, वो समझ सके। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन। यस खुदावन, यस खुदावन, जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अपने घरों में परमेश्वर तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, यस खुदा, हर अंधकार की शक्तियां आज खुदा तेरे पवित्र वचन से मेरे खुदावन, हर अंधकार का जो हनेरा है इनकी जिंदगियों से परमेश्वर जाता रहे। यस माय लॉर्ड, मैं शांस करता हूं परमेश्वर, मैं शांस करता हूं कि परमेश्वर, मैं शांस करता हूं कि खुदावन आज तो अपने लोगों को ब्लेस करना, उनकी जिंदगी को
हर उस ट्रेन से, उस बोझ से जिसमें वो थपे हैं खुदावंद, तूने कहा हे बोझ तले लोगों मेरे पास आओ और अपना बारी जुआ मुझे धो, इतने धो अपने बोझ, क्योंकि उसने कहा जितने भी आज है, उसने कहा हे बोझ तले लोगों मेरे पास आओ और अपने बोझ मुझे दो। कहो कि परमेश्वर मैं अपना बोझ तुझे देती हूं, कहो कि परमेश्वर मैं अपना बोझ तुझे देता हूं, मेरे बोझ को उठाने वाला तू, मैं अपने बोझ को उठाकर नहीं चल सकती थी, नहीं चल सकता परमेश्वर, तूने मेरे अंधकार के पापों का बोझ उठाया परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं थी खुदा, मैं इस योग्य नहीं था खुदा, ये तेरा प्रेम है मेरे परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है जो तूने मुझसे किया है। यस खुदावर, धन्यवाद मेरे पिता, आज इतने लोग मेरे परमेश्वर इस मीटिंग को के साथ छुड़े हैं, मेरे परमेश्वर इस मीटिंग के साथ जुड़े हैं, मैं परमेश्वर खुदावंद तू उनके घरों में अपनी ब्लेसिंग से उन्हें ब्लेस कर, यस खुदा उनके जीवन में आज से कोई रोक ना रहे, परेशानी ना रहे, सारे बोझ तूने हमारे उठा लिए, यस खुदावंद तेरा वचन दाता है, बताता हमें कि हम कोड़े खाने से तेरे छंके हैं पिता, पर इन्हें इस वचनों को समझने की बुद्धि दे, जैसे तेरे दास प्रेरित पॉल ने कहा रोम की कलीसिया, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मौत या पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे परमेश्वर तेरी बातों पर, तेरे वचनों पर हमने आरा मन लगाना हमारे जीवन की शांति और उन्नति है खुदावंद, इस शांति को, इस उन्नति को तेरे लोग तेरी बातों को, तेरी सच्चाई को समझकर उस शांति को वो ले सके, उस स्वर्ग की तमाम आशीषों को वो तुझसे ले सके मेरे परमेश्वर, जो तू स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आया और हमारे पापों के लिए तूने क्रूस पर अपना जीवन देकर हमें अंधकार से, उस शैतान के वश से छुड़ाया और हमें ये जीवन के दान दिए। यस माय लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने अपना जीवन देकर हमें जो जीवन दिया है खुदावंद, इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए खुदा, जितने भी इस मीटिंग में अछुड़े हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करना, उन्हें आशीष करना खुदावंद, उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारी से, रोगों से, उस बोझ के तले जो असफ्री करना परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, खुदावंद मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद आप ऐसा करने वाले हो, एक एक के साथ करने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू किसी का पक्ष नहीं करता, हर एक जाति से तू प्रेम करता है मेरे परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना को तू सुनता है, इसलिए तूने कहा अपनी मन की बातें मुझसे खोल खोल के करो। यस खुदावंद तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर खुदावंद, उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावंद, यस माय लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर, जैसे तूने अपने दास दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना, अपने नबियों को, अपने दासों की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, यस खुदावंद आज भी तू वही परमेश्वर है, तूने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, यस खुदावंद तू बदलने वाला परमेश्वर नहीं है खुदावंद, धन्यवाद परमेश्वर आज भी तू वही परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला और करुणामयी परमेश्वर खुदावंद, अपने लोगों की, अपनी बच्चियों की गलतियों को माफ करने वाला और फिर से उन्हें खड़ा करने वाला परमेश्वर खुदावंद, यस खुदावंद तू सच्चा और वफादार और धर्मी परमेश्वर खुदावंद, तेरे जैसा परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा सब बातों के लिए परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए खुदावंद, आज तेरे लोग मेरे परमेश्वर मैं श्वास करता हूँ कि खुदावंद आज के सरमन को सुनने के बाद उनकी जिंदगियां सेम ना रहें परमेश्वर, वो बदल जाएं बेटा, वो बदल जाएं पूरी तरह मेरे खुदावंद, उनकी जिंदगियां सेम ना रहे मेरे यहोवा, आज के सरमन को सुनने के बाद अपने पापों से, मन से फिराएं और खुदावन उस ब्लेसिंग को वो लें तुझसे, यस खुदावन ये तेरे दास की प्रार्थना है खुदा,
एक एक के लिए, एक एक के लिए परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थना खुदा, आज कोई सेम ना रहे खुदा, हर अंधकार के उस दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग परमेश्वर आज तेरे नाम से आजाद किए जाए, चंगे किए जाए, हर अंधकार की शक्तियां, हर तरह की दुष्ट आत्मा जो गुप्त रूप में काम करती परमेश्वर, जब तेरा आत्मा मेरे जीवन से होकर बोले खुदावंद, वो चीखती हुई चलाती हुई उनको छोड़कर जाती रहे परमेश्वर। यस खुदावंद, मैं विश्वास करता हूं कि तू ऐसा ही करने वाला खुदावंद, ये स्थान तेरी महिमा की ग्रेस से भर जाए परमेश्वर, कोई भी सेम ना रहे परमेश्वर, तेरी रूह की भरपूरी से जब भर जाए, तेरी रूह की भरपूरी से भर जाए खुदावंद। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी आत्मा की बातों से इन्हें भरता जा। यस खुदावंद, अपनी रूह की बातों से भरता जा खुदा, ये तेरे सच्चे आराधिक बन जाए खुदा, तेरी आराधना करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। यस खुदा, जैसे तेरा दास चक्रिया और तेरी दासी आलिश्मा जो बास थी, उनके कोई भी बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर वो तेरी सच्ची आराधना करने वाले थे, तेरी सच्ची बंदगी करने वाले थे। आज भी तू परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तू सच्चे आराधकों को ढूंढता है मेरे परमेश्वर। यस खुदा, और अपने आराधकों तू दुष्प्लेस करता और ऊंचे करता, उनकी शर्मिंदगियों को दूर करता है मेरे परमेश्वर, उनकी शर्मिंदियों को दूर करता है। इसलिए तेरे दास की प्रार्थना है परमेश्वर तेरे लोगों के लिए कि वो तेरे सच्चे आराधिक बन जाए, आराधिक बन जाए, जैसे तेरा दास जकरिया और आलिश्मा थी, जिनके मन में ये नहीं था कि हमारा बेबी नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, परमेश्वर वो तेरे सच्चे मन से तेरी आराधना करने वाले थे, उन्होंने किसी भी चीज के लिए अपने मन में कोई सोच रखकर नहीं, परमेश्वर जैसे तू चाहता है कि हर एक इंसान जिसे तूने अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है मेरे पिता, तू नहीं चाहता कि वो मेरी आशीषों से वैसे रहे, पर परमेश्वर बहुत से लोग जो तेरी इच्छा को नहीं जानते, तू क्या चाहता है परमेश्वर वो नहीं समझते, इसलिए खुदा जैसे तेरे दास चक्रिया और आलिशा के मन में कोई सोच नहीं थी कि हमारी बेबी नहीं, हमारा बच्चा नहीं, वो सच्चे मन से तेरी आराधना करते थे, इसलिए खुदावंत तूने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी सेवा को सुना, और खुदा तूने अपना दूत भेजकर उन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। यस खुदा, उस बच्चे के साथ ब्लेस किया परमेश्वर। आज भी तू जितनी बहनों के परमेश्वर ने बेबी नहीं है खुदावंत, उन्हें बेबी के साथ ऐसे ही ब्लेस करेगा, जिनके अपने घर नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके ऊपर कर्ज है, खुदावंद तू उन्हें कर्ज से आजाद करेगा और उन्हें ब्लेस करेगा। यस खुदा, तेरे दास की प्रार्थना खुदावंद, आज जितने भी इस मीटिंग को देख रहे हैं खुदावंद, तू सबके मन को जानता है, तू हर एक को जानता है कि उसे कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है। धन्यवाद परमेश्वर, तू जानता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और आज तू एक एक की जिंदगी में खुदावंद अपनी रूह से, अपनी आत्मा से तू उनको छुड़ाएगा और बचाएगा। यस खुदा, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा तू आज ऐसा करने वाला है, तू अपने लोगों के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया खुदावंद, और तूने हमारे पापों के लिए अपने हाथों में कीलों को ठुकवाया, सिर पर अपने कांटों का ताज सजाया, थे हमारे ही दुखों के कारण परमेश्वर तू उस पर ताड़ना पड़ी। यस खुदावंद, और तूने हमें आज अपने अनुग्रह में भलाया और अपने अनुग्रह के साथ अपने दाहिने हमारा उद्धार करके तूने हमें अपने दाहिने हाथ तूने हमें बैठाया है। यस खुदावंद, इन सब बातों के लिए आपका थैंक्स करते हैं, आज की मीटिंग के लिए और सब बातों के लिए तेरी जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।